और एक बड़ी खबर है, बीएसपी से निकाले गए इमरान मसूद आज कांग्रेस में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब कांग्रेस एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। इमरान मसूद तीसरी बार कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और इससे पहले एसपी में, समाजवादी पार्टी में और बीएसपी में रह चुके हैं थोड़े थोड़े वक्त के लिए। हमने देखा उनको चुनाव के वक्त, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन फिर उनकी नाराजगी हुई समाजवादी पार्टी से, वो पहुंचे बीएसपी में, वहां भी उन्होंने कुछ वक्त गुजारा और अब तीसरी बार फिर से वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे का वक्त बताया गया है, फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसको घर वापसी कह सकते हैं कांग्रेस में, क्योंकि वो तीसरी बार वापस जा रहे हैं कांग्रेस में, इसलिए ऐसा कहने में कोई गलती नहीं होगी। वक्त है दोपहर 3 बजे का। बिल्कुल, और आज घर वापसी कांग्रेस में फिर से होने जा रही है इमरान मसूद की। घर वापसी से पहले अखिलेश यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मायावती को लेकर कहा कि उन पर लगता है कोई दबाव है। और राहुल गांधी को लेकर कहा इमरान मसूद ने कि राहुल गांधी में वो क्षमता है कि बीजेपी को वो रोक सकते हैं। आज कांग्रेस में शामिल होंगे इमरान मसूद, तीसरी बार कांग्रेस में उनकी घर वापसी होने जा रही है। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है इमरान की कांग्रेस में वापसी होगी। ये बड़ी खबर, पहले बसपा में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे और अब तीसरी बार कांग्रेस में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट होने वाला है। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसका सहारनपुर और आसपास के इलाकों में कहा जाता है कि बहुत पॉलिटिकल वर्चस्व ज़्यादा है, लेकिन एक जगह पांव उनके टिके नहीं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए, फिर बसपा में गए और अब वापस कांग्रेस में उनकी वापसी हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आपने समझा, इमरान मसूद की। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद भाई, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा उसी से शुरू करता हूँ इमरान भाई, कहीं पांव टिकते नहीं है आपके, इतने एक्सीडेंट प्रोन क्यों हैं आप? दुर्भाग्य है, देखिए जब ये पिछला चुनाव 2022 का आया मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ लोकल मेरा इतना दबाव था, उस वजह से मैं थोड़ा सा अपने साथियों के दबाव में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक गलती को करने के बाद फिर बार बार गलतियाँ होती हैं, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रियंका जी का, राहुल जी का और आदरणीय खड़गे जी का कि उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि मुझे पार्टी के अंदर मिलेगा। मैं गांधी परिवार से इस तरह से जुड़ा हूँ कि मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मतलब मैं क्या जवाब दूँ इस बात का। मैं जब गया था मैं कितने कष्ट में गया था, मैं बहुत कष्ट में गया था। लेकिन अखिलेश यादव की बड़ी तारीफ करके गए थे आप तो। देखिए आप कहते थे वही एक शख्स है जो मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप मेरा पूरा स्टेटमेंट आप करिए। मैंने कहा सबको मिलकर लड़ना चाहिए, कांग्रेस को साथ गठबंधन करना चाहिए। उस वक्त अखिलेश जी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि गठबंधन हो जाए, और अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में सरकार होती। इस दफा होना चाहिए। देखिए मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं बसपा से आ गया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बसपा को भी गठबंधन में आना चाहिए, और गठबंधन में आएंगे तभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग कुछ कर पाएंगे मजबूती के साथ। तो बहन जी को ये बात क्यों नहीं पसंद आई? तो बहन जी को पता नहीं, मैंने तो बात पार्टी को बचाने की थी, मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की थी। जो पार्टी 2007 में अपने दम पर सरकार बनाए वो 2022 के अंदर आकर के बिल्कुल दम तोड़ जाए, तो ये मूवमेंट जब ख़त्म हो रहा हो तो मूवमेंट को जो समझने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस मूवमेंट को बचाने का काम कौन कर सकता है, इस मूवमेंट को किस तरह बचाया जा सकता है। कांग्रेस के बिना ही संभव नहीं है कि मूवमेंट बच जाए। तो यानी कि आपने कोई इनडिसिप्लिन नहीं की थी, आप ये कहना? नहीं, कोई इनडिसिप्लिन नहीं की, मेरा कोई विरोध नहीं था, और मुझे तो पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि मेरा निष्कासन हो गया। क्या वजह है कि इस तरह की बात निकल रही है कि बहन जी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, या आपको लगता है इस तरह की बात है? मुझे दिखाई दे रहा है, जो चीज दिखाई देती है ना वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। सहारनपुर में उन्होंने कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ोगे, तो बाद में कहा कि साहब आपने किताबें पूरी नहीं की। तो ये इस तरह के सवाल कुछ हैं जो वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं शक शुबा पैदा करते हैं, लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि किस बात का शक आपको लगता है? राजनीतिक तौर पर कोई प्रेशर है उन पर, कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए मुझे नहीं पता क्या प्रेशर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही मायनों में इस जिस मूवमेंट को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था उसको बचाना है तो इस वक्त उनको हर चीज़ों को छोड़ करके कांग्रेस के साथ आना चाहिए, इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना। 100% आपको कांग्रेस का भविष्य दिख रहा है 2024 में या आने वाले विधानसभा चुनावों में? और मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूँगा, मुस्लिम वोट्स किधर जाते देख रहे हैं आप? देखिए मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं है,
देश में परिवर्तन। नहीं नहीं, आप बड़े नेता हैं कम्युनिटी के, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको क्या। मैंने कहा ना, परिवर्तन की बात है। इस वक्त परिवर्तन की लहर चल रही है। इस वक्त माहौल ये बना है कि पूरे देश के अंदर परिवर्तन होना है, तो परिवर्तन की उस लहर के अंदर सभी लोग शामिल हैं। नौजवान भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, सब लोग लगे हुए हैं। कौन परेशान नहीं है, सब परेशान है। आपको लगता है कि कांग्रेस की भूमिका होगी 2024 में, आप हरा सकेंगे, मोदी जी को रोक सकेंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अब ये आपने पुराने विधानसभा के चुनाव के नतीजे देख लीजिए, आने वाले नतीजे देख लीजिए, खुदा सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओवैसी साहब की भूमिका के बारे में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि उनको बिहार में जिस तरह से उनका वर्चस्व बढ़ा या दूसरे प्रांतों में जो बढ़ रहा है, आपको लगता है आप लोगों के लिए खतरा है? वो मुस्लिम समुदाय के एक बड़े पॉपुलर नेता के तौर पर उभर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब की राजनीति के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता, ना मुझे समझ में आता कि आप असल में चाहते क्या हैं। पहले लाइन ऑफ एक्शन तो क्लियर हो, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। मैंने कहा कि लड़ाई दो ध्रुवों पर। वो तो कहते हैं अकलियतों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आप अकलियतों का इंसाफ उनसे कैसे करा लेंगे जो अकलियतों के साथ ही नहीं चलना चाहते, ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। तो वो किसके साथ चल रहे हैं? नहीं नहीं, देखे ना, आप या तो आप इधर रहिए या तो आप इधर रहिए, आप किसी के साथ तो रहेंगे, या तो किसी को फायदा दीजिए, किसी को नुकसान दीजिए। आपके काम करने से नुकसान किसका हो रहा है? उनको जो आपकी पार्टी, आपकी होने वाली दोबारा से पार्टी बीजेपी की बी टीम कहती है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मेरे इत्तेफाक रखने ना रखने से फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें दिखाई देती है वही बात बोली जाती है। वही दिख रहा है आपको? आपको लगता है उनका असर से नुकसान हो सकता है आप लोगों को? नहीं, लोगों की समझ में आ गई थी कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, समझ में आ गया ना लोगों की, लोग समझ गए। कुछ दिनों पहले हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि संभव है, आखिरी सवाल, कि राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो सकता है कि रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएं। आपको लगता है राजनीतिक तौर पर ये सकारात्मक कदम होगा उनकी तरफ से? देखिए, धार्मिक कार्य करने में, कोई भी धार्मिक कार्य है, अगर कल मैं कहीं किसी उसके अंदर जाता हूँ तो दूसरों को क्यों एतराज़ होगा? धार्मिक कार्य तो सबके है ना, वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के लिए उन्हें मजबूती के साथ जो करना है वो करना चाहिए। इसका कोई पॉलिटिकल नफा नुकसान नहीं, उसका पॉलिटिकल, और उसे राजनीतिक चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। कोई भगवान राम जो है, भगवान राम आस्थाओं के प्रतीक हैं, और भगवान राम के प्रति जितनी आस्था देश के अंदर रहने वाले हिंदू की है, हमारी भी उतनी ही आस्था है, क्योंकि वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। और मेरा मजहब भी इसी कहता है कि मैं दूसरे के मजहब का सम्मान करूं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इमरान मसूद साहब, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से बात की, अपनी बात को मुखरता से रखा। उनका कहना है कि भाई लोकसभा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो पार्टी बाद में तय करेगी, लेकिन उनका जो लगाव है कांग्रेस के साथ और खास करके गांधी परिवार के साथ, छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, किसी परिस्थितियों में वापस छोड़ के गए थे, और अब इनकी बड़ी वापसी एक रोज बाद फिर से हो रही है। कैमरामैन सुनील के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, सहारनपुर। गांधी परिवार से लगाव की बात की, और आपको याद होगा जब कांग्रेस छोड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, तब भी उन्होंने गांधी परिवार के बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं कही थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।